नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। बाराहाट प्रखंड क्षेत्र के सवलपुर पंचायत अंतर्गत चंडीडी में सुखनिया नदी पर पुल निर्माण के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के तकनीकी टीम द्वारा बुधवार को नदी में भू सर्वेक्षण का कार्य किया गया। सर्वेक्षक सोनू कुमार ने बताया, विभाग के निर्देश अनुसार भू सर्वेक्षण के कार्य किया गया है, जिसका रिपोर्ट को 2-3 दिन में विभाग को सौंप दिया जाएगा और उस आधार पर पुल निर्माण के लिए ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा DPR तैयार किया जाएगा। वहीं पुल निर्माण की खबर से चंडीडी गांव के लोग उत्साहित नजर आए। मौके पर मौजूद बाराहाट प्रखंड के जदयू अध्यक्ष निखिल बहादुर सिंह ने बताया, यहां पर सुखनिया नदी में पुल निर्माण की मांग चंडीडी सहित आसपास के कई गांव के ग्रामीण दशकों से कर रहे हैं। ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने इसको गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण को पुल की सौगात दी है, जिससे बड़ी आबादी लाभान्वित होगी। माउंट जेवियर 10+2 स्कूल अपडेट तीसरा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेश वर्मा थे। उन्होंने केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर पंकज चंद थे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई में अच्छा करने के लिए बहुत ही उपयोगी बातें बताई। विद्यालय परिवार की तरफ से माउंट जेवियर स्कूल के डायरेक्टर श्री सुमित सलामपुरिया एवं चेयरमैन श्री मानवेंद्र शुक्ला ने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दिया। आज के कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी तैयार किया था। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के सभी कर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षकगण एवं सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल के साइंस हेड PK झा ने बच्चों को नियमित पढ़ाई करने के लिए मार्गदर्शन दिया, क्योंकि आगे आने वाले सत्र में परीक्षाएं शुरू होने वाली है। कार्यक्रम के संचालक अनिरुद्ध वर्ष और सुप्रिया वर्मा थे, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में तृप्ति शिमलन, अभिनव राजपूत, रिया हंसवानी, ध्रुव पंड्या बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। स्कूल के तीसरा वर्षगांठ था, उस अवसर पर यहाँ आने का अवसर मिला और जिस तरीके से यहाँ पर युवा साथियों का उत्साह और जिस तरीके से कॉमर्स के क्षेत्र में हमारे अभिभावक और कॉमर्स में बहुत दिनों से शिक्षक श्री पंकज टंडन सर जैसे बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने का, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो बेशक एक अच्छी शुरुआत इन लोगों ने की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी इस क्षेत्र में बेहतर करेंगे। आज माउंट जेवियर प्लस टू स्कूल भागलपुर का तीसरा स्थापना दिवस है, जिस अवसर पर कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए एक छोटा कार्यक्रम बच्चों के उत्साह के लिए रखा गया है, जो कि होली के पूर्व का भी एक कार्यक्रम है। यह होली का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन बच्चों को एक उत्साह, एक पूजन का कार्यक्रम कर भगवान की आराधना के साथ इस कार्यक्रम को सादगी के साथ हम लोग कर रहे हैं और बच्चों को एक होली के पूर्व एक सौगात कि आप अच्छा करो, आपके उज्जवल भविष्य की यह स्कूल कामना करता है। इसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में डिप्टी मेयर राजेश वर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भागलपुर के नाथनगर सिपाही परीक्षण केंद्र SDRF इंस्पेक्टर गणेश ओक्षा के नेतृत्व में कोरोना वायरस से बचाओ, बाढ़ से बचाओ, सर्पदंश से बचाओ एवं घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने से किस तरह जान माल के नुकसान से बचाया जा सकता है, जिसको लेकर 700 से ज़्यादा बिहार पुलिस के जवानों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। SDRF इंस्पेक्टर गणेश ओक्षा ने बताया कि बाढ़ से बचने के लिए एवं गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं, जिससे कि भयानक आग लगने की संभावना होती है और लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। सांप काटने के बाद कौन सी दवाई लगानी चाहिए एवं विष को शरीर के अंदर जाने से किस तरह से रोका जाना चाहिए, इसका विशेष परीक्षण किया गया। इस दौरान SDRF इंस्पेक्टर गणेश ओक्षा, SDRF के दर्जनों टीम एवं जवान मौजूद थे। संदेश सबको दे रहे हैं कि जो भी यहाँ पर हुनर सीख रहे हैं, चाहे सर्प से काटने का उपाय, बचने का उपाय, भूकंप से बचने का उपाय, आग में बचने और बचाने का उपाय, जो भी यहाँ पर सिखाया जाता है, ये लोगों तक तो जागरूकता फैलाएं, यही हमारा उद्देश्य है। यही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय का भी संदेश रहता है कि आपदा में किसी भी तरह का घटनाएं न हो, उसको आपदा की हो तैयारी तो आपदा नहीं पड़ेगी भारी। और मैं तो यही बार बार कहता हूँ कि आपदा के घड़ी में जो मदद करे उसी को इंसान कहते हैं। इन दिनों रेशमी शहर भागलपुर पर धीरे धीरे होली का सुरूर छाने लगा है और होली गाकर लोग अपनी मन की व्यथा को भी लोगों के समक्ष रख रहे हैं। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड परिसर में सिल्क आर्टिस्ट ग्रुप के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर होली गीत गाकर जमकर कटाक्ष किया गया। देखिए होली के सदस्यों ने किस तरह महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए सरकार पर होली गीत के माध्यम से हमला बोला है।
आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।